महाराष्ट्र बैंक स्टॉक का एनालिसिस करेंगे देखेंगे महाराष्ट्र बैंक में फ्यूचर में क्या मोमेंटम देखने मिल सकता है स्टॉक का सपोर्ट कहाँ पे है रेजिटेंस कहाँ है स्टॉक ने आज के दिन हमको थोड़ा सा नीचे की तरफ गिरावट दिखाया लेकिन स्टॉक ने स्टिल फोर्टी रुपीज़ के ऊपर ट्रेड करा क्योंकि प्रीवियसली हम लोग को फोर्टी रुपीज के नीचे क्लोज करने का स्टॉक ने ट्राई किया था स्टॉक में क्लोजिंग है फोर्टी फाइव रुपीज ट्वेंटी पैसा का तो क्या इस स्टॉक से हम लोग फ्यूचर में एक अच्छा खासा टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं बात करेंगे इस वीडियो में नीचे की तरफ स्टॉक का एक सपोर्ट है जो कि फोर्टी रूपीज का लेवल है तो किसी ने लॉन्ग टर्म के हिसाब से महाराष्ट्र बैंक में इन्वेस्ट कर रखा है या फिर शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो लोग जब तक स्टॉक फोर्टी रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं स्टॉक में कुछ खास डरने वाली बात नहीं है लेकिन जब तक स्टॉक फोर्टी रुपीज़ के नीचे जिस दिन स्टॉक ब्रेकआउट देगा एधर डेली चार्ट या फिर वीकली चार्ट जब भी फोर्टी रुपीज़ के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज करेगा तो हम लोग को नीचे की तरफ तेजी से फॉल देखने मिल सकता है लगभग स्टॉक नीचे की तरफ हम लोग को थर्टी रुपीज़ तक का भी लेवल नीचे की तरफ दिखा सकता है लेकिन जब तक स्टॉक फोर्टी रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है डरने की बात नहीं है तो टारगेट ऊपर की तरफ टारगेट क्या देखने मिल सकता है महाराष्ट्र बैंक में टारगेट के लिए एटलीस्ट स्टॉक को ऊपर की तरफ एक फिफ्टी रुपीज़ का ब्रेकआउट

तब तक के लिए इतना इस वीडियो में अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक चैनल चाहे सब्सक्राइब करें आपको कोई दूसरा स्टॉक एनालिसिस करना है तो नीचे स्टॉक का नाम कमेंट करें।